हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ट्रोल टोकन के बारे में। ट्रोल टोकन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि एलोन मस्क की वजह से इसके अंदर 40 से 50,000 तक का पंप हमें इमीडिएटली देखने को मिला है। यानी कि आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मंथ के अंदर 40,577% का रिटर्न इसने दे दिया है। अभी जो करंट प्राइस है वो 0.70 के बाद $9 इसकी प्राइस चल रही है। एंड अगर ऑल ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर जो इसका लो था वो 0.90 के बाद $13 का इसका लो था, और अभी जो हाई लगाया है 0.60 के बाद $12 का इसने हाई लगाया है। अब आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिटर्न इसने दिया है। यहां पर मार्केट कैप की बात की जाए तो $97 मिलियन का मार्केट कैप है। 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम $39.87 मिलियन की चल रही है। 960.42 ट्रिलियन ट्रोल टोकन्स सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। एंड अब देखते हैं यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं, यूजर अर्न ए मिलियन ऑन मीमकॉइन टोकन टू एलोन मस्क। यानी कि एलोन मस्क की वजह से एक यूजर ने मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए हैं, मिलियंस डॉलर का प्रॉफिट कमा लिया है। एलोन मस्क चेंज हिज ट्विटर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन टू चीफ ट्रोल ऑफिसर। यानी कि एलोन मस्क ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी प्रोफाइल के बायो के अंदर चीफ ट्रोल ऑफिसर यहाँ पर लिख दिया था। यानी कि जैसे ही चीफ ट्रोल ऑफिसर लिखा तो यहाँ पर ट्रोल का नाम आ गया है, और यह नाम आने की वजह से ट्रोल टोकन के अंदर अचानक से बहुत ही बड़ा पंप हमें देखने को मिला। द स्मार्ट ट्रेडर इमीडिएटली विड्रॉ 4.3 इथेरियम $10,000। यानी कि जो ट्रेडर यहाँ पर आप देख सकते हैं $295 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $1.1 मिलियन का बन चुका है। अब उसने यहाँ पर क्या किया कि $10,000 तो विड्रॉ कर लिए एंड साथ ही में यहाँ पर 19 ट्रिलियन ट्रोल टोकन्स वापस से दोबारा खरीद लिए हैं। यानी कि जैसे ही एलोन मस्क ने अपनी प्रोफाइल से चीफ ट्रोल ऑफिसर ये बायो से हटाया, उसी तरह इसने हैंड टू हैंड सेल करके वापस से दोबारा इसने 19 ट्रिलियन ट्रोल टोकन्स बाय किए हैं। ये स्मार्ट ट्रेडर है, इसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न वापस निकाल लिया है और वापस से दोबारा ट्रोल टोकन्स को बाय कर लिया है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर आप इस समय इसको बाय ना करें, और सिर्फ ये जो पंप आया था वो सिर्फ एलोन मस्क की वजह से आया था, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है और ज़्यादा कुछ ऐसा अपडेट नहीं है कि आने वाले वक्त में ये पंप हो सके। इसलिए आप इस टोकन में ना फंसें। और बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सचेंज पर हैं, तो होबी ग्लोबल, गेट आईओ, डीजी फिनिक्स, एल बैंक, बिटमार्ट, ओरियन एक्स, मैक्सिक, कोइन एक्स, बिंग एक्स, कोइन डब्ल्यू, बाइक्रोम, बिट्रू, पोलोनियक्स, एक्सटी, टेप बिट, सुपर एक्स, एसकेंडेक्स, बिटमैक्स, इन पर ये अवेलेबल है। क्योंकि जैसे ही एलोन मस्क ने ट्वीट किया इसमें पंप आना स्टार्ट हुआ तो सभी एक्सचेंज ने लगभग इसको लिस्ट कर लिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।